15 जनवरी सेना दिवस। हर वर्ष 15 जनवरी को पूरे उत्साह के साथ भारत में सैनिक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत के लेफ्टिनेंट जनरल के एंकरियाप्पा को सम्मान देने के लिए हुई, जो भारत के पहले प्रधान सेनापति थे। कई दूसरे मिलिट्री प्रदर्शनी सहित सैनिक परेड आयोजन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी और सभी सैनिक नियंत्रण हेडक्वार्टर में हर साल इसे मनाया जाता है। 15 जनवरी 2018 को सेना दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 70वें भारतीय सेना दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। सेना दिवस देश के हिम्मत और बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि और सलामी देने के लिए इसे मनाया जाता है। उन्होंने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सैनिक जनरल कोदन देश मदप्पा करिप्पा ने ब्रिटिश सैनिक जनरल रॉय ब्यूचर की जगह ली थी और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान सेनापति बने थे। प्राकृतिक आपदा के साथ ही भारतीय सीमाओं पर मुश्किल समय में लड़ने के लिए भारतीय सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही देश और लोगों की रक्षा के लिए अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों और चुनौतियों का साहस पूर्वक सम्मान करते हैं। सेना दिवस समारोह। देश में आपदा की स्थिति के दौरान भारतीय सैनिक एक बड़ी और महान भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे युद्ध जीतने वाली टीम के रूप में कार्य करते हैं और देश के लिए समर्पित हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर कुर्बान हुए भारतीय सेना के सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि देने की शुरुआत करने के लिए भारत में सेना दिवस के रूप में इस देश को मनाने का फैसला किया गया था। सेना दिवस परेड। भारतीय सेना के जवानों द्वारा सेना दिवस उत्सव के दौरान सेना दिवस परेड बहुत रोचित किया जाता है। भारतीय सेना में सैनिक अपनी सेवा को कायम करने और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए कसम खाते हैं। किसी भी दुश्मन का डटकर सामना करते हैं, फिर चाहे वह घरेलू हो या बाहरी कोई भी दुश्मन। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट।